क्या इंसान आर्टिफिशियल सूरज बना रहा है? क्या इतने बड़े ताकतवर चीज को पृथ्वी पर बनाना पॉसिबल है? कई बार हमें न्यूज में सुनने को मिलता है कि चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है। क्या है इन सब चीजों की सच्चाई, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। असल में हमारा सूरज हाइड्रोजन, हीलियम और प्लाज्मा का एक विशाल गोला है और हाइड्रोजन से फ्यूजन करके सूरज अपने अंदर से ऊर्जा पैदा करता है। और इसी प्रोसेस को, इसी फ्यूजन रिएक्शन को अगर एक वैक्यूम चेंबर के अंदर किया जाए तो हमारा सूरज एक कभी ना खत्म होने वाली एक साफ सुथरी ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन आर्टिफिशियल सूरज को बनाने में कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि सूरज जितनी हीट पैदा करना और पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, एटम्स को आपस में फ्यूज करना, इन सब चीजों की शुरुआत 1934 में हो चुका था, जब मार्क ऑलिफेंट, पाल हार्टेक और अनरेस्ट रदरफोर्ड ने जब फ्यूजन रिएक्शन को पृथ्वी पर सबसे पहले किया था। इन्होंने पार्टिकल को एक्सेलरेट करके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जो ड्यूटेरियम है, उसके एटम्स को दूसरे एटम के साथ फ्यूज किया था। लेकिन फ्यूजन को लगातार बनाए रखने के लिए और ऊर्जा का निर्माण करने के लिए ईंधन को हाई टेम्परेचर पर बनाए रखना जरूरी था, ताकि एटम्स हाई स्पीड में एक दूसरे से टकराते रहे। हाई टेम्परेचर होने के कारण इस रिएक्टर को थर्मोन्यूक्लियर नाम दिया गया था। 1950 में इस रिएक्टर में हीट को बनाए रखने के लिए और ऊर्जा का निर्माण करने के लिए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया कि रिएक्टर में हीट की प्रॉब्लम को पूरी तरह से मिटा दिया, जिसमें हीट के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल किया गया और प्लाज्मा को स्टेबल रखने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन जब प्लाज्मा को एक चेंबर में बनाया जाता है और उसके साथ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के एटम को ईंधन के रूप में प्लाज्मा के साथ छोड़ा जाता है, प्लाज्मा को एक पर्टिकुलर शेप में लाने के लिए ईंधन के एटम्स को हाई स्पीड में ट्रैवल करने के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो प्लाज्मा और ईंधन के एटम्स को ना सिर्फ एक साथ पकड़ के रखे बल्कि इसे हाई स्पीड में ट्रैवल भी करवाए। इस चीज का सॉल्यूशन था मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से प्लाज्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए एक ऐसा सिलेंडर बनाया गया जिसमें चारों ओर से मैग्नेट लगा हो। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम्स और प्लाज्मा को सिलेंडर के बीचों बीच स्टेबल रखने में मदद मिलती है। लेकिन एटम्स को सिलेंडर से बाहर निकलना रोका नहीं जा सकता था, इसीलिए सिलेंडर को एक राउंड शेप दिया गया, एक डोनट जैसा शेप जो एटम्स को लगातार सर्कुलर मोशन में घूमने में मदद करेगा और फ्यूजन रिएक्शन को लगातार जारी रखेगा। 1950 में रिएक्टर से जुड़ी सारी थ्योरी, सारी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके थे। अब तक जो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है वो रिएक्टर का इतिहास था। अगर मैं पूरा इतिहास बताने जाऊं तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसीलिए ये जानते हैं कि आज के दौर पर इस रिएक्टर का क्या इस्तेमाल हो रहा है। 2007 में ITER इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये 1950 के दशक में से जितने भी रिएक्टर बनाए गए, करीब 100 से ज्यादा फ्यूजन रिएक्टर को बनाया गया है। और इस बार का प्रोजेक्ट इन 100 प्रोजेक्ट से भी बड़ा था और इसे बनाया जा रहा है फ्रांस में। इसे बनाने में कई देशों के साथ हमारा भारत भी शामिल है। और इस फ्यूजन रिएक्टर को नाम दिया गया है टोकामाक रिएक्टर। एक डोनट जैसा शेप वाला एक वैक्यूम चेंबर, जिसके चारों ओर से स्पेशल मैग्नेट लपेटा गया हो, जिसके अंदर बिजली से प्लाज्मा को बनाया जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के एटम्स को उसके अंदर एग्जिस्ट किया जाएगा। फ्यूल के एटम्स प्लाज्मा के साथ मिलने के बाद हाई टेम्परेचर फ्यूजन तापमान तक पहुंच जाएगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से प्लाज्मा और एटम्स हाई स्पीड में ट्रैवल करेगा, जिससे एटम एक दूसरे से टकरा कर फ्यूजन रिएक्शन को अंजाम देंगे, जिससे और ज्यादा हीट पैदा होगा और उसी से बिजली बनाई जाएगी। अब तक हमारे दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयले को जलाकर हीट जनरेट किया जाता है, जिससे बिजली बनती है। लेकिन इससे काफी ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है और ज्यादा खर्चा भी आता है, इसीलिए इस फ्यूजन रिएक्टर को बनाया जा रहा है, जिससे खर्चा बिल्कुल ना के बराबर होगा और पोल्यूशन जीरो हो जाएगा, जो एक साफ सुथरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। फ्यूजन रिएक्टर का ITER प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने का संभावना है। इसका मतलब एक सूरज को तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक वैक्यूम बॉक्स के अंदर। और ये आर्टिफिशियल सूरज ना ही तो आसमान में जा सकता है और ना ही हमारे असली सूरज की तरह रोशनी दे सकता है, ये तो सिर्फ हमें बिजली बनाने में मदद कर सकता है। तो इस वीडियो के जरिए आर्टिफिशियल सूरज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक अनोखी कहानी के साथ, एक अनोखी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।